बुद्धं शरणं गच्छामि, धामं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हिंसा नहीं करना, आपको मालूम है कि चोरी नहीं करना, आपको मालूम है कि व्यभिचार नहीं करना, आपको पता है कि झूठ नहीं बोलना, आपको पता है कि नशापान नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना। क्या ये पता है कि हिंसा नहीं करना तो क्या करना? क्या यह पता है कि चोरी नहीं करना तो क्या करना? क्या यह पता है कि व्यभिचार नहीं करना तो क्या करना? क्या यह पता है कि झूठ नहीं बोलना तो क्या बोलना? क्या यह बात का पता है कि नशापान नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना तो क्या करना? धम्म को कोई आगे बढ़ा ही नहीं सकता। धम्म आचरण करने से अपने आप में हमारी खुद की उन्नति होती है। अगर मैं धम्म का आचरण करता हूं तो मेरी जिंदगी में मुझे लाभ मिलता है और उस लाभ का फायदा मेरे साथ में रहने वाले लोगों को मिलता है। जैसे कि घर का एक व्यक्ति कमाता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पगार लाता है, पूरे परिवार को पालता है, ठीक धम्म आचरण करने वाला भी वैसा ही कुछ कमाता है और वो अपने परिवार को सुरक्षित करता है, वो अपने आप का विकास करता है। तो हिंसा नहीं करना यानी क्या करना? हिंसा नहीं करना यानी क्या करना? पंचशील ही नहीं पता है और त्रिपिटक की बात कर रहे हैं। शील सदाचार ही नहीं पता है कि करना क्या है। हिंसा नहीं करना ही नहीं करेंगे, लेकिन क्या करने के लिए बोला है बुद्ध ने वो भी तो पता होना जरूरी है। चोरी नहीं करना है ये पता है कि हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? व्यभिचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और नशापान नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सब लोगों का जो आभा मंडल है, जो मैं देख रहा हूं, सब आश्चर्य से भर गए कि इसका क्या आंसर होगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आचरण से आती है और आप लोग आचरण करेंगे तो आपको भी अनुभव आएगा और अनुभव से धम्म का अनुभव आता है। आप जिंदगी भर बहुत त्रिपिटक पढ़े होंगे, बहुत ग्रंथ पढ़े होंगे और एक सूत्र को आपने अपने आचरण और व्यवहार में उतारा और उसका आपको अनुभव आया, उसकी आपको अनुभूति आई तो आपके पास सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी। और ये सम्यक दृष्टि ही दिखाती है कि हिंसा नहीं करना तो करना क्या? मैत्री करुणा का व्यवहार करना। क्या बोला बुद्ध ने? हिंसा नहीं करना तो क्या करना? बुद्ध ने ये नहीं बताया कि हिंसा नहीं करना तो क्या करना। हमें समझना है आचरण से अनुभव आता है, आप आचरण करते नहीं इसलिए आपको अनुभव नहीं है। हिंसा नहीं करना तो क्या करना? मैत्री करुणा का व्यवहार करना। चोरी नहीं करना तो क्या करना? चोरी नहीं करना तो क्या करना? चोरी नहीं करना तो दान करना। व्यभिचार नहीं करना तो क्या करना? व्यभिचार नहीं करना तो अपने मन को शुद्ध करना, सदाचार का पालन करना। झूठ नहीं बोलना तो क्या बोलना? सम्यक वाणी बोलना, सत्य बोलना, जो है जैसा है उसी तरीके से उसको बोलना। नशापान नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना तो क्या करना? तो बुद्धिमानों की संगति करना, बुद्धिमान बनने की कोशिश करना, विनम्रता का पालन करना और अहंकार को नष्ट करना। ये पंचशील, एक तरफ सकारात्मक, दूसरी तरफ नकारात्मक। बुद्ध ने आपको नकारात्मक बताया कि सकारात्मक बताया? व्याकरण के हिसाब से
नकारात्मक बताया, लेकिन उसका सकारात्मक भी बताया है, वो अनुभव से समझता है। आप लोग पालन करते नहीं, इसीलिए ये बात समझते नहीं। ये पहली बात हो गई है। अब मुझे बताइए कि आपको ये शील समझ में आ गया, अब चोरी नहीं करना तो क्या करना, चोरी नहीं करना तो क्या करना, दान करना। तो आप लोग चोर हो क्या, फिर रोज दान करते होंगे ना? और जो लोग रोज दान नहीं करते, समझ लेना क्या है, मैं नहीं बोलता, ठीक है? ये पहली बात हो गई। अंतिम बात यह है कि भारत देश में बाबा साहब ने कहा है कि मैं 2 साल जी गया तो 5 करोड़ दोस्तों को दिखा दूंगा, काठमांडू के भाषण में बाबा साहब ने कहा। राहुल सांगुतायन को यह बताया कि मैं 2 साल यदि जी गया तो 5 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाऊंगा। भारत में 84 लाख बौद्ध है। और भंते जी तो दूसरे समाज में जाने की बात करें, भंते जी आपको जानकारी होगी मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख जो महार है वो हिंदू है, ये रिकॉर्ड है 2011 का। अब जब महारों के बीच में वो हिंदू लिख रहे हैं तो ओबीसी तो बहुत दूर की बात है। ये यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने लिखा होगा जनगणना में हिंदू आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ये मेरी दूसरी बात है। पहली बात तो ये कि शील को अगर आप पालन करते हो तो रोज दान करना सीखो, मन को रोज शुद्ध करना सीखो, सम्यक वाणी बोलना सीखो, मैत्री करुणा का व्यवहार करना सीखो, घृणा को त्यागो, द्वेष को त्यागो, अहंकार को त्यागो, विनम्रता लाओ। ये पहली बात। दूसरी बात है जनगणना में जो अभी होने वाली जो जनगणना है उसमें बौद्ध लिखो। धर्म का जो कॉलम है, कॉलम नंबर 7 में आपको धर्म लिखना है। और जो अपनी दूसरी भाषा है ये पाली भाषा लिखना है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं 2 साल जी गया 5 करोड़ लोगों को बौद्ध दिखा दूंगा। कितने साल हो गए? 56 के बाद काठमांडू की सभा 56 में हुई थी धर्मांतरण के बाद। कितने साल हो गए? 64 साल। कौन बेईमान? कौन है? मैं आप नहीं हो, महेश, क्योंकि मैं घूमता नहीं ना, मैं जाता नहीं हूं किसी के यहां, प्रेम पूर्वक बातें नहीं करता, किसी से मैत्री नहीं करता, किसी से व्यवहार नहीं करता, किसी से करुणा का, तो मैं दोषी हूं। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। हे बाबा साहब, आज तक गलती हो गई, क्षमा कर देना, लेकिन अभी मैं गलती नहीं होने दूंगा। और आए आप जितने भी लोग बैठे हैं वो आप समझ लीजिए कि अगर आप बाबा साहब का नमक खाते हैं, बाबा साहब के विचारों से जीते हैं, तो फिर आपको अपने जनगणना में बौद्ध लिखना होगा, बौद्ध दिखना होगा और बौद्ध बनना होगा। ये जरूरी है, अगर नहीं तो मामला खत्म, मामला खत्म। इसलिए मैं मेरी बात को यही विराम देता हूं। आपने मेरी बात को शांत चित्त से सुने और बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको ग्रहण किया। मैंने 2 बातें बताया हूं और मुझे लगता है कि मेरी बातों को मानना मत। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको मानना मत। गैया केला खाती है और आदमी केला छिलके खाता है कि पूरा पूरा छिलके से अगर खाता है? गैया जैसे छिलकर खाती है ना, वैसे आप भी छिलकर ग्रहण किए। मेरी बातों में जो सच्चाई है उसे ग्रहण किए कीजिए। और आपने मेरी बात शांत चित्त से सुनी, मेरे वाणी से कोई गलती हुई होगी तो मैं भिक्खु संघ से क्षमा याचना करता हूं। और यही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, इसी अपेक्षा के साथ कि आप प्रबुद्ध भारत को बनाए। नमो बुद्धाय। जय हिंद।